सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। वेलकम बैक फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक क्रीम, साथ ही साथ मल्टीपर्पस यूज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक क्रीम, जिसे आप में से सारे फ्रेंड्स इसे इसके ब्रांड नेम्स फोर्ट डर्म के नाम से जानते होंगे। फोर्ट डर्म क्रीम आपका दवा का ब्रांड नेम होता है। अगर हम इसके मूल कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें आपको क्लोरोहेक्साडिन ग्लूकोनेट जो कि 0.20% वेट बाई वेट की स्ट्रेंथ में, क्लोबेटासोल 0.05% वेट बाई वेट की स्ट्रेंथ में, नियोमाइसिन 0.5% वेट बाई वेट की स्ट्रेंथ में एवं माइकोनाजोल जो कि 0.05% वेट बाई वेट की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इससे पहले हमने नियोमाइसिन एवं क्लोबेटासोल टॉपिकल यूज के बारे में वीडियो बना रखा है, तो यदि आप में से कोई फ्रेंड जो कि नियोमाइसिन एवं क्लोबेटासोल के बारे में पार्टिकुलर सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है तो आप वहां से भी क्लोबेटासोल एवं नियोमाइसिन के बारे में सीख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोर्ट डर्म क्रीम के बारे में सीख रहे हैं, मतलब इन सारे कंपोजिशन को मिला करके एक ब्रांड नेम आती है फोर्ट डर्म, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो वीडियो में हम सीखेंगे इसके यूजेज के बारे में कि जैसा यह एक टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो किस किस प्रकार के कंडीशंस को ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर द्वारा यह क्रीम प्रयोग में दिया जाता है। जब कोई पेशेंट इस क्लोबेटासोल क्रीम का प्रयोग लेना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर क्या कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, किस डोज में लगानी चाहिए और लगाने का सही तरीका क्या है एवं वीडियो के लास्ट में हम सीख लेंगे लगाते समय कि हमें क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए, मतलब इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में जिसके बारे में भी जानना आवश्यक होता है। तो इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम आज सीखने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो वीडियो है किसी और के भी काम आ सके। मैं हूँ आपका दोस्त किशन, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि जो आपका फोर डर्म क्रीम है वह आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो अगर हम इसके यूजेज की तरफ देखते हैं विस्तार से तो फोर डर्म क्रीम का जो सबसे पहला प्रयोग होता है, यदि कोई व्यक्ति जिनके स्किन पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह जो क्रीम है वो प्रयोग में दिया जाता है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि व्यक्ति के स्किन पे किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो गया हो जैसे कि रिंग वर्म हो सकता है तो उसे भी ठीक करने के लिए यह जो क्रीम है प्रयोग में दिया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति जिनके स्किन पे लाल लाल दाने आ गए हो, स्वेलिंग हो गई हो, रेडनेस हो गया हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग चल रही हो, इरिटेशन हो रहा हो तो उसे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह जो क्रीम है वो प्रयोग में दिया जाता है। इसका प्रयोग आपको एंथ्रेक्स को भी ठीक करने के लिए दिया जाता है। एंथ्रेक्स एक स्किन पे होने वाला है बीमारी है दोस्तों, जिसपे हमारे स्किन पे थोड़ी सी उभार आ जाती है और उसके चारों तरफ लाल लाल दाने हो सकते हैं, लाल लाल हो सकता है, पस फॉर्मेशन आपको दिख सकता है, स्वेलिंग दिख सकती है, तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह जो क्रीम है वो प्रयोग में लिया जाता है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा जो कि डायपर पहनता हो और डायपर के बाद उसके स्थान पे उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे अगर रेडनेस, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग दिख रही हो तो उसे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा फोर डर्म क्रीम प्रयोग में लिया जाता है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल बातें करते हैं दोस्तों तो यदि हमारे स्किन पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन दिख रहा हो तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा फोर डर्म क्रीम प्रयोग में लिया जाता है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यूजेज जान लेने के बाद अब हम वीडियो के अगले हिस्से में जान लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वैसे यह जो फोर डर्म क्रीम है वह सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जो इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें जो लगाए गए स्थान पर आपको रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ईचिंग एवं इरिटेशन सब दिख सकता है, तो यही इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। ये साइड इफेक्ट्स या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है तो आप फर्दर अपने डॉक्टर को बताएं ताकि जो डॉक्टर है वह जल्द से जल्द आपको अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। अब वीडियो के अगले हिस्से में हम जान लेते हैं दोस्तों कि हाउ टू अप्लाई, कि हमें इस फोर डर्म क्रीम का कैसे प्रयोग में लेना चाहिए और कितने डोज में और कितने दिनों तक हमें इस क्रीम को प्रयोग में लगाना चाहिए ताकि जिससे हमको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो अगर हम इसका हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो सबसे पहले आप जो उस स्थान पे इस क्रीम का प्रयोग कर रहे हैं उस अफेक्टेड एरिया को अच्छे से वॉश कर ले, क्लीन कर ले, हम साफ टॉवल से धो ले, साफ टॉवल से
पोंछ ले उस एरिया को, उसके बाद एक सफिशियंट अमाउंट में आप अपने फिंगर टिप के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में लेकर के इस क्रीम की एक पतली सी लेयर लगा दे। ध्यान रखें कि आप इस क्रीम को ज़्यादातर रब ना करें, बस एक पतली सी लेयर लगा करके छोड़ दे, तो उसको आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस क्रीम का प्रयोग आप दिन में 2 बार 3 बार इवन ज़्यादा जरूरत पड़ने पर आप 4 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आपका टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम फोरडर्म क्रीम के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कितने लंबे समय तक इसे प्रयोग में लगाना चाहिए, तो आप इस क्रीम का प्रयोग 5 से 7 दिनों तक कर सकते हैं, ज़्यादा जरूरत पड़ने पर 15 दिनों तक भी आप इसका कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक सलाह दूंगा कि आप इस क्रीम का प्रयोग कभी भी 15 दिन से ऊपर ना करें, क्योंकि यह जो क्रीम है वह अपने एक साइड इफेक्ट्स में आपको स्किन के लेयर को पतला कर सकता है, जिसकी वजह से आपको घातक दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, इसलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग खासतौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए एवं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए OTC के रूप में, मतलब ओवर द काउंटर परचेज करके प्रयोग में ना करें। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो अपने डॉक्टर को बताएं, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन आपको जितनी डोज में जितने दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया है उतने दिन तक ही आप उस टेबलेट का प्रयोग करें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब वीडियो के लास्ट में हम सीख लेते हैं दोस्तों इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि यदि कोई व्यक्ति जो कि फोरडर्म क्रीम से एलर्जिक रखता हो या फिर इसके किसी मूल कंपोजिशन से एलर्जिक रखता हो, तो उसे हम फोरडर्म क्रीम नहीं दे सकते। साथ ही साथ इस क्रीम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपका टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति जिनके स्किन पर कट लग गई हो, चोट लग गई हो, बर्न हो गया हो या कोई इंजरी हो गई हो, तो वहाँ पर भी आप इस क्रीम का प्रयोग ना करें, मतलब ओपन वाउंड के ऊपर प्रयोग में ना लें। साथ ही साथ फोरडर्म क्रीम को आप अपने बॉडी के कुछ नेचुरल ओपनिंग जैसे कि आँख, कान, नाक, माउथ से भी दूर रखें। इसके अलावा आप इस क्रीम का प्रयोग जितनी मात्रा में आपको डॉक्टर ने दिया है और जितने दिनों तक दिया है उतने दिनों तक ही आप प्रयोग में लें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है फोरडर्म क्रीम के बारे में, जो कि एक स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो वीडियो है किसी और के भी काम आ सके। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।